असल में घूमते इवेंट्स क्या आ रहे हैं हम लोग घूमे इवेंट्स करते तो वैसे ही खाली खाली रहता था ना क्लाइंट भी नहीं आया क्लाइंट आते थे सुबह हम लोग क्लाइंट को भी दे दे अच्छा Apart from these five people who are after this friend and all? Shishti, Risha, Abhi, 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 Please, all of you together. Please take this camera. Excuse me, and left side, all of you. Thank you. Oh, yeah. Thank you. Thank you. I think we should take. It is
No, take the dress off so that I can always crop it and make it as close as I want. Yeah. Right? अरे तू तेरा कैमरा इतना आगे क्यों डाल रहा है यार? एक बार और करना पड़ेगा 100% सर इधर
Ravina? Sir? Hello, how are you? Hello, how are you? Good. All well. सोलो अरे आगे क्यों जाते हैं आइए साथ में बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। मुझे बहुत ही कमाल का कलेक्शन है, समर कलेक्शन खास करके, और बहुत ही अच्छी तरह से मुझे जो टेक्सचर है, जो पेस्टल कलर यूज़ किए हैं, बहुत ही कमाल है। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज इस तरह का कलेक्शन जो है, जो एक गर्मी होती है मुंबई में तो बहुत ही उस तरह सा जो कपड़े होने चाहिए बहुत हैवी नहीं होने चाहिए, और जो मटेरियल भी होना चाहिए वो ज़्यादा जैसे गर्मी ना हो, तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा यूज़ किया है यहाँ पे और अच्छा लगा मुझे यहाँ। भाई मैं तो फैशन को फॉलो क्या कर रहा हूँ, जैसे 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 सीज़न होता है, जैसे मुंबई में ठंडी होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, उसी हिसाब से हम लोग कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हमारा हमको कभी लोकेशन देखने जाना पड़ता है, कभी हम लोग जाते, कभी किसी को मिलने ही हो, ज़्यादा की ज़्यादा ऐसा नहीं कि ज़रूरी हम एयर कंडीशन रूम में बैठे रहते, तो बहुत तो हल्का फुल्का ही पहनते। गर्मी खास करके मुंबई में बहुत होती है तो पसीना बहुत आता है, तो कोशिश हम लोग ये करते हैं कि बहुत ही कॉटन टी शर्ट, लिनन ट्राउज़र्स, सिंपल जीन्स शर्ट, इस तरह के कपड़े पहनते, ताकि और मैं नॉर्मल मैं अपने हिसाब से पहनता हूँ, जैसे पार्टी जाना है तो सूट पहन लेता हूँ, टक्सीडो भी पहन लेता हूँ, अवार्ड फंक्शन में जाना है, तो डिपेंड करता है कि माहौल क्या है, कहाँ पे जाना है, ओकेजन क्या है, उसके डिपेंड्स होता है। नहीं अभी देखिए टाइम है, मैंने कहा कि मैंने घोषणा की फिल्म इंस्पेक्टर गालिब जो एक एक्शन फिल्म है सैंड माफिया पे यूपी पे, लेकिन अभी इस पे जो एक अलग अलग तरह के पत्रकार हमारे मित्रों के पास या चैनलों में बात आती है कि इसको ले रहे हैं वो हीरो है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी डिसीजन नहीं है। जब स्क्रिप्ट लिखी है, विभिन्न विभिन्न चीज़ें हैं उसमें और भी है जो अभी डिसाइडिंग फैक्टर है, वो एक बार ख़त्म होंगी तो मैं अपने आप आपको बताऊँगा शुरू कब करूँगा। एक्शन फिल्म बना रहा हूँ, मुझे एक्शन फिल्म मैंने कभी बनाई नहीं, मुझे लगता है कि एक्शन फिल्म बहुत ज़रूरी है बनाना, एक अलग माहौल, एक अलग वर्ल्ड को दिखाना, और लेकिन मुद्दा डेफिनेट जैसे मैं कहा कि उसमें सैंड माफिया का मुद्दा है वो ज़रूर रहेगा।
बस मैं यही चाहूँगा जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जितने भी जो है पहले भी वोट कर चुके हैं, कि वो चुनाव में मैंने एक मुहिम भी छेड़ी थी हम लोग सब लोग ने, वोट कर उंगली दिखा, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वोटिंग करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है वोटिंग डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश की एक वोटिंग प्रोसेस को रखने के लिए। अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट है, जो उनको लगता है उनकी पार्टी है या उनके जो लोग जिनको पसंद करते हैं, वो सब वो जरूर जाके वोट करें, क्योंकि वोट जो होता है 5 साल में एक बार आता है। तो मेरी यही विनती है, रिक्वेस्ट है सब लोग को, जिनको अपनी पार्टी जो हिसाब से आपको जो चाहिए एक अच्छे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के लिए, वोट करना चाहिए। थैंक यू। गूगल कलेक्शन का नाम ऐसे इंग्लिश समझ है, बट पूरा इंडियन समझ के लिए बना हुआ है, कुछ भी इंग्लिश उसमें है नहीं, बट थोड़ा एलिमेंट्स ऑफकोर्स बोरो किए हुए हैं कलर्स वगैरह के हिसाब से, या थोड़ा सा यू नो प्रिंस एंड मोटिव्स, बट अदरवाइज पूरा हमारे इंडियन उसके बना हुआ है। बट ऑफकोर्स आई वुड वॉन्ट एवरी वन इन द वर्ल्ड टू वेयर इट, एंड ये बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक से बना हुआ है, जो कि हम अपने इंडियन समर्स के लिए सही रहता है, एंड उसमें ऑफकोर्स मिनिमम एम्बेलिशमेंट वगैरह सब कुछ है, बट उसका जो पूरा स्टाइलिंग ग्लोबल है, बट सोल पूरा इंडियन है। बहुत प्यारा लगा, आई लव द कलर्स, एंड वैसे भी मुझे श्रुति के सारे कलेक्शंस के जो कलर चॉइसेस होते हैं बहुत पसंद हैं। शी जनरली प्लेज अ लॉट विद पेस्टल्स एंड यू नो कलर्स विच आर इजी ऑन द आईज एंड वेरी सूदिंग एंड वेरी फेमिनिन ऑल्सो बाय नेचर, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट हर इंडो वेस्टर्न अपील रियली फिट्स इन ऑल द टाइम। मैंने लास्ट टाइम इनके विंटर कलेक्शन का भी देखा था, सो इट में बहुत ही एक एज था, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम इट वॉज वेरी फेमिनिन, वेरी एलिगेंट, लाइक द वन दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ, इट्स वेरी कैजुअल, वेरी ईजी टू वेयर, कंफर्टेबल, बट एट द सेम टाइम एक्सट्रीमली एलिगेंट एंड पॉइज्ड, एंड आई फील लाइक प्रिंसेस। सो या सो हर कलेक्शन इज जनरली अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉर्ट्स। ओके, इसी के साथ में अगर पर्सनली अगर आपके बारे में बात करिए, तो आप किस तरीके के फैशन को फॉलो करती हैं? I don't think I follow any kind, but whatever suits the occasion or whatever suits my mood on that particular day, जो भी मुझे मेरी body type के लिए लगता है कि suit करता है, the one that I am able to carry off nicely, I think fashion should be a very personal statement, and it, you cannot really follow it, you should feel comfortable in it and you should feel beautiful in it, that's what it's meant for. Okay, what was the inspiration behind your collection? The inspiration always is that you know, the average Indian woman who wears you know my clothes, उन्हीं के लिए मैं कपड़े बनाती हूँ, मैं अकाउंट करती हूँ उनके अपने इंडियन फिगर प्लस, पर ऐसे ब्यूटीफुल लोग पहन लेते तो और फ़ायदा हो जाता है, पर अदरवाइज यही हमारा यू नो इंस्पिरेशन है, और मतलब यही मेरा थाट प्रोसेस है। बट हाँ, ग्लोबली मैं चाहती हूँ कि मेरा एक थाट प्रोसेस है कि इंडियन कपड़ों को इंडियन वे में ही ग्लोबली प्रजेंट किया जाए। विच इज़ ब्यूटिफुल थाट, एंड ये बोल रही है कि जो ब्यूटिफुल लोग पहन लें, बट आई हर्स इज वन काइंड ऑफ अ कलेक्शन जो लोग पहन के ब्यूटिफुल लगते हैं शायद। आई थिंक एक तो एक्चुअली आई एम नॉट अ ग्रेट शॉपर, बिकॉज मैं बहुत इंस्टिंक्टिवली सोचती हूँ, मैं अपनी वार्डरोब का सोच के और नेसेसिटी का सोच के नहीं करती हूँ, दैट्स वन प्रॉब्लम।
पर एनी थिंग दैट अपील्स टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें मुझे इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा डिफरेंट लगे, एट द सेम पॉइंट टाइम वेरेबल होना चाहिए. दैट्स एज यू नो श्रुति सेड, उनके कपड़े काफ़ी वेरेबल हैं, काफ़ी फंक्शनल क्लोथ्स हैं. नो पॉइंट इन वेयरिंग समथिंग एंड बाइंग समथिंग दैट यू वोंट रियली एंड अप वेयरिंग एट मेनी ओकेजन्स और विच बिकम वेरी कैटेगोरिकल. देर हैज़ टू बी फ्लेक्सिबिलिटी इन द क्लोथ्स, कि उनको आप तीन डिफरेंट ओकेजन्स में पहन सकें. एंड And yeah, they should make me feel beautiful. I think that's the only thing. And summer ke liye baat kariye to summer mein kis tarah ke light colors, especially jaise abhi maine pehna hua hai. I think they should be easy on other people's eyes also. Easy is yeah, the like color. When you wear something which is very dark and heavy, I think aapse zyada aur logon ko bhi garmi lagni chalu ho jati hai. So exactly. So you would want to wear something which brings about a brightness in the environment. You know, people should feel nice and bright on looking at you, and you yourself should feel very easy at the same point in time. And something which is comfortable, which I feel ki agar main fully clothed bhi hoon, so I should not feel warm or you know hot and perspiring, which is perfect because it's like if you can see, it's a long dress, but it's very easy and breezy to wear. थैंक यू, वेरी एक्साइटेड, वेरी थैंकफुल. देर इज इमेंस अमाउंट ऑफ लव पोरिंग इन एंड आई कैन ओनली थैंक आर डायरेक्टर्स Tigmanshu सर एंड विशाल फूरिया फॉर डूइंग सच अ स्टेलर जॉब. आई गॉट टू पेयर विद पंकज सर विच वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. एंड मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि सबको हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है. एक जो जुगलबंदी है वो बहुत पसंद आ रही है, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, रिकग्नाइज कर रहे हैं. एंड जस्ट सो थैंकफुल टू द ऑडियंसेस या फॉर एक्सेप्टिंग इट सो मच. आई गेट सो मेनी मैसेजेस एवरी डे. इट्स अमेजिंग हाउ दे टेक टाइम आउट टू यू नो अप्रिशिएट वर्क एंड दैट्स ब्यूटिफुल. ओके, जब मैं आपसे मिला था तो मैंने इस किरदार के बारे में आपसे बात करी थी. जी, तो आपने बताया था काफी चैलेंजिंग किरदार है, मतलब बहुत सारा डिफिकल्ट था. तो अब लगता है कि मतलब जब जिस तरीके का रिस्पॉन्स हो रहा है, हाँ, कि अब मेहनत जो है वो रंग लेकर आई है. हाँ एक्चुअली, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों से यू नो कल मुझे कोई बोल रहा था कि वी वॉन्ट टू निखत इन आर लाइव एज अ लॉयर, एंड काफ़ी लॉयर्स ने मुझे मैसेज करके बोला दैट आई हैव डन अ गुड जॉब, विच वॉज वेरी यू नो वैलिडेटिंग. एंड या रंग तो लाई है, बट उसके साथ एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है कि नाउ अगर मैं नेक्स्ट चीज़ जो करती हूँ शुडंट बी द सेम थिंग, शुड बी डिफरेंट, एंड आई होप आई एम एबल टू मेक देम प्राउड अगैन. अभी सीक्रेट गेम्स आने वाली है पार्ट टू, सो आई एम प्लेइंग सेफ्स एक्स वाइफ इन दैट. देन देर इज अ सीरीज कॉल असुरा विच इज़ ऑन वूट, जिसमें अर्शद वारसी हैं. फाइनल कॉल तभी आई थी अर्जुन के साथ. एंड एक मूवी है जो आने वाली है समवे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, पर उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकती. अगर आपसे अगर बात करिए तो सबसे आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? पद्मावत. मैं भी राजस्थान से हूँ तो मुझे तो रानी साहब वाला कैरेक्टर पसंद है. होना भी चाहिए, संजय सर की किरदार है, नथिंग कैन बीट दैट. जस्ट गो विथ योर गट इंस्टिंक्ट्स, डोंट गेट इम्प्रेशनेबल. जो आपको सही लगता है वो करें. काफ़ी सारी एडवर्टाइजिंग चल रही है, बहुत सारा एक हर तरफ से चार लोग चार बातें कर रहे हैं. आई थिंक जिन्होंने भी पूरे चार साल पाँच साल जिस तरह की तरक्की देखी है, इवेल्यूएट किया है, उस एक्सपीरियंस से जाके वोट करें. जो अभी पूरा एक दोनों पार्टीज़ या दो बड़ी पार्टीज़ जो हैं वो पूरी तरह से जोरों शोरों में एडवर्टाइज़ कर रही हैं, खाली उससे ना करें एंड वोट ज़रूर करें. सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है.